हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट यूनिवर्स। मेरा नाम है संजय पटेल और हम लोग आर्गेनिक में नियम रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसकी दो वीडियोस हमने अब तक देखी है और ये हमारी तीसरी वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट एग्जाम में कई बार पूछा गया, या इससे पहले जब AIPMT एग्जाम होता था तो वहाँ पर भी ये पूछा गया था। ये पेज मैंने आपकी NCERT से क्रॉप करके यहाँ पर डाला हुआ है और NCERT के क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट जैसे NCERT में दिया गया वैसे ही आपके नीट एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के उसके बाद आगे की वीडियो देखिए। ठीक है, तो ये बेसिकली होता गया, इसमें दो एरोमेटिक रिंग होती हैं जिनको NN डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो एरोमेटिक रिंग होती हैं जिसमें NN बॉन्ड से उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, और कलर्ड कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग डाई की तरह यूज करते हैं। तो इसमें फर्स्ट कंपाउंड जो लिया जाता है वो होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, लिया जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और दूसरा जो प्रोडक्ट होता है वो फिनाल होता है। ठीक है, तो फिनाल का जो पैरा पोजीशन पर जो H होता है वो इसके साथ ऐड करता है। ठीक है, वो इसी के साथ रिएक्शन करेगा तो हम इसको निकाल लेंगे, H इस तरफ आ जाएगा आपका और ये हो जाएगा फिनाल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये HCl है ये निकल जाएगा। ठीक है, आपका HCl निकल जाएगा यहाँ पे, ये हुआ तो अब यहाँ पे बन जाएगा ये देखिए NN डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब दो एरोमेटिक रिंग को NN डबल बॉन्ड से जोड़ना है। ठीक, तो ये वाला HCl आपका निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, अब ये वाला पूरा कंपाउंड बचा रह जाएगा तो ये यहाँ डायरेक्टली N के साथ जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका ये। अब इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, ये ऑरेंज कलर का होता है, इसका नाम होता है आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, ये ऑरेंज कलर की डाई होती है। ठीक है, ऑरेंज कलर की डाई होती है, इसका नाम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। कैसे बना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और फिनॉल से मिलके बना है। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ये ऑरेंज कलर का होता है। और दूसरा रिएक्शन इसमें होता है, उसमें भी पहले लिया जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेंगे, ये हो जाएगा बेंजीन, ये हो जाएगा डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे एनिलीन के साथ। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे एनिलीन के साथ। अब यहाँ भी HCl निकल जाएगा। ठीक है, ये HCl निकल जाएगा, माइनस HCl हो जाएगा तो अब यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है, दो एरोमेटिक रिंग है इनको NN डबल बॉन्ड से जोड़ना है हमको। ठीक है, तो ये NN डबल बॉन्ड लिखा हमने, अब यहाँ पे क्या बचा, ये H निकल गया, HCl निकल गया। ठीक, तो HCl निकल गया तो यहाँ पे ये जो आपका एनिलीन था उसका ये वाला पोर्शन बचा रह जाएगा, तो इसको हम N के साथ ऐड कर देंगे यहाँ पे। काफी सिंपल है ये, और इसका नाम होता है पैरा एमिनो एजो बेंजीन। ठीक, पैरा एमिनो एजो बेंजीन, पैरा एमिनो एजो बेंजीन। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, कलर इंपॉर्टेंट इसमें, क्योंकि डाई है तो कलर ज्यादा जरूरी है इसमें जानना आपको, तो इसका येल्लो कलर होता है। ठीक है, येल्लो डाई होती है ये पैरा एमिनो एजो बेंजीन। अब देखिए हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोक्सी में ओ आ रहा है तो ओ से ऑरेंज आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, हाइड्रोक्सी में ओ आ रहा है तो ऑरेंज कलर का हो जाएगा ये, और पैरा एमिनो, ठीक है, तो दो ही हमने पढ़ा, एक येल्लो कलर का पढ़ा और एक ऑरेंज का पढ़ा, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा येल्लो था और कौन सा ऑरेंज था। तो हाइड्रोक्सी वाला ऑरेंज होगा क्योंकि इसमें भी ओ आ रहा है, ठीक है, और इसमें भी ओ आ रहा है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। तो इसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, ये कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए हमने आपको बताया यहाँ पे। बस इसमें बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि दो जो आपकी एरोमेटिक रिंग है उनको NN डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ना है, बस कपलिंग रिएक्शन, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच।